स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए आज के बाजार में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो क्रूड की गिरावट थी। क्रूड करीबन 9-10% से गिरा है और ये मार्केट्स को एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो गया है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का क्रूड का मूवमेंट गिरा है, इसका मतलब यह है कि मार्केट ये भी अनुमान लगा रही है कि इन्फ्लेशन का आंकड़ा आने वाले दिनों में कम रहेगा अगर क्रूड और भी नरमी दिखाता है। दूसरी बात, आज FIIs की बाइंग वापस अच्छी तरह से आई है, तो मेरे ख्याल से दोनों फैक्टर्स मार्केट्स में प्ले आउट हो चुके हैं। और जैसे अनिल जी ने कहा कि कैश मार्केट में काफी ऐसे मिड कैप कंपनीज है जहां पे अच्छी खासी अपसाइड आज हमने देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी काफी पॉजिटिव था, तो मुझे लग रहा है कि इंडेक्स की जो बढ़त है वो अभी बरकरार है और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में होपफुली अगर FII के फ्लोस पॉजिटिव रहते हैं तो आपको डेफिनेटली और भी थोड़ी बढ़त आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी रहेगा। इनफैक्ट वादी, जो स्टॉक हमको पसंद है आज, वो बेसिकली एक बहुत ही वेल नोन पैकेजिंग कंपनी है जिसका नाम है गरवारे हाईटेक। ये कंपनी बेसिकली जैसे सभी को पता है कि स्पेशलाइज्ड फिल्म्स बनाती है, जैसे कि सन कंट्रोल फिल्म और काफी ऐसे फिल्म बनाती है जो ऑटोमोटिव सेक्टर, पैकेजिंग सेक्टर के लिए काम में आती है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी स्ट्रांग है। करीबन 1300 करोड़ के रेवेन्यू पे लास्ट ईयर करीबन 160 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिकॉर्ड किया था और इस कंपनी ने अभी एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया है ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए जो बहुत तेजी से बिकने वाला है। ये बेसिकली ऐसा एक फिल्म बनाने वाले जिससे कोई डेंट या कोई भी गाड़ी को नुकसान अगर होता है तो वो होगा नहीं। तो ये अभी टेस्टिंग फेज में अभी थोड़ी सी मार्केटिंग इसकी चल रही है, लेकिन हमको लग रहा है कि आने वाले साल डेढ़ साल में इसकी बढ़त काफी बढ़ेगी। ओवरऑल कंपनी करीबन 170-180 करोड़ का प्रॉफिट इस साल रिकॉर्ड करेगी। और यहाँ पे भी मैं कहना चाहूंगा कि क्रूड ऑयल की कीमतें अगर गिरती है तो इनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स में इनका काफी बड़ा खर्चा होता है। तो एक तो क्रूड ऑयल का अगर कीमत कम होती है प्लस अगर वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ता है तो इनके लिए अच्छी बात है। तो यहां से मुझे लग रहा है कि आराम से कम 950-950 का टारगेट प्राइस अगले 8-12 महीने में पॉसिबल है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है और इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। स्वाति, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए BPCL में आज जैसे आपने कहा कि क्रूड की कीमत कम होने से एक बहुत अच्छी तेजी सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हमने देखी है, BPCL में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। और होपफुली अगर क्रूड $75-80 तक आता है तो और थोड़ी तेजी BPCL में देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछला क्वार्टर इनके लिए काफी खराब था, GRMs काफी दबे हुए थे। मेरे ख्याल से दूसरा क्वार्टर भी फंडामेंटली अगर कहे तो इन्वेंट्री लॉसेस कंपनी को हो सकते हैं, तो अगर इनको चाहिए तो थोड़ा सा मुनाफा ये वसूल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी सेंटिमेंट के हिसाब से शेयर को रीरेट कर रही है, लेकिन जब दूसरे क्वार्टर के नंबर्स आएंगे तब जो भी क्रूड का इम्पैक्ट है वो तीसरे तिमाही में देखने को मिलेगा। तो इनका अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो थोड़ा सा पैसा बुक कर लीजिए, क्योंकि दूसरे तिमाही के बाद हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्टॉक में नरमी आए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्रूड अगर गिरता है तो इसमें अच्छी तेजी वापस बनेगी। स्वाति, यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। हालांकि बंधन बैंक ने पिछले 3-4 क्वार्टर से नंबर्स अच्छे नहीं दिखाए, लेकिन पहला क्वार्टर इनके लिए काफी अच्छा था और माइक्रो फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में अभी ये काफी जोर से प्रोग्रेस कर रहे हैं। इनका नजरिया अगर कम से कम साल डेढ़ साल का है तो मेरे ख्याल से अभी भी निवेशित रह सकते हैं। मेरे ख्याल से ये साल डेफिनेटली इनके लिए अच्छा रहना चाहिए, प्लस जिस प्रकार से अभी इंटरेस्ट रेट की साइकिल अपटिक पे हो गई है तो इनको डेफिनेटली हाउसिंग फाइनेंस के स्पेस में काफी फायदा होगा। इन्होंने GIC हाउसिंग जो HDFC ग्रुप की थी वो उनका एक्विजिशन करके इसमें मर्ज किया था। तो डेफिनेटली अगर नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो होल्ड करें, थोड़ा सा समय दे दे, क्योंकि इसमें डेफिनेटली अपसाइड थोड़े समय के बाद आएगी। पहली बात तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्फोबीन्स डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन स्वाति, जैसे हमने पहले भी आपके शो पे कहा था कि IT सेक्टर में कम से कम 2-3 क्वार्टर्स थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि US यूरोप में धंधा काफी डिफिकल्ट तरीके से इंडियन कंपनीज को मिलने वाला है। यूरोप में तो रिसेशन की बातें चल रही है, तो नियर टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत कटाई आपको मार्जिन में देखने को मिले, लेकिन अगर नजरिया 12-18 महीना है तो ये डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। कंपनी काफी अच्छी है और अपने फील्ड में एक माहिर प्लेयर है, लेकिन ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वोलेटिलिटी आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि देखिए इनका शॉर्ट टर्म व्यू है तो स्वाति इनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की प्रोडक्ट जो है एंजाइम्स, जहां पे ये मार्केट लीडर है डोमेस्टिक मार्केट में, ज्यादातर एक्सपोर्ट्स यूरोप को होते हैं, US को होते हैं, और जिस प्रकार की तकलीफ अभी यूरोप में हम देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए एक्सपोर्ट फ्रंट पे काफी चैलेंजिंग रहेंगे। मेरे ख्याल से अगर ये चाहे तो कोई दूसरी कंपनी में ये निवेश कर सकते हैं, जैसे कि फेडरल बैंक है, उसके बाद ऑटो में महिंद्रा है, तो यहाँ पे निवेश करेंगे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इनका जो लॉस है वो अगले 6-12 महीने में ये रिकवर कर सकते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है।
होल्डिंग में इक्विटास बैंक का मर्जर होने वाला है और ये प्रक्रिया अभी तक हुई नहीं है। हमको लग रहा है कि इनका नजरिया अगर कम से कम साल भर का है तो यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग और थोड़ा वैल्यू इनको आगे मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। सारे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है वो अभी थोड़े से रिकवर हो रहे हैं, बैंकिंग साइकिल अभी अच्छे स्टेज में है, तो डेफिनेटली इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के अगर प्रोस्पेक्ट इंप्रूव होते हैं तो ऑब्वियसली इक्विटास होल्डिंग वालों शेयर होल्डर्स को भी फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, लेकिन कम से कम 8 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रखना जरूरी है। स्वाति, ये कंपनी बेरिंग्स बनाती है और काफी बड़ी फ्रंटलाइन कंपनी है। इनफैक्ट इनका पहला नाम फैग इंडिया था, जर्मन कोलैबोरेटर है और इन्होंने बहुत ही अच्छे प्राइस पे एंट्री की है। मैं इनको यही सुझाव दूंगा कि अगले साल डेढ़ साल अगर ये होल्ड करते हैं तो यहां से भी अगर चाहे तो 20-25% की अपसाइड पॉसिबल है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और जिस प्रकार की अभी ग्रोथ ऑटोमोटिव सेक्टर में हमको दिख रही है कि कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल, उसके बाद ट्रैक्टर्स में बढ़त हो रही है, तो ये सारे सेगमेंट्स को ये कंपनी अपने बेरिंग सप्लाई करती है, तो डेफिनेटली आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी बढ़िया है। यहाँ पे होल्ड करिए। देखिए, बैटरी मार्केट एक ड्यूओपोली मार्केट है, एक्साइड और अमरा राजा दो ही प्लेयर्स है और मैं तो समझता हूँ कि ऊपरी लेवल से ये स्टॉक काफी टूटा है। सबसे बड़ी जो पॉजिटिव और टेलविंड इस कंपनी को है कि जिंक और लेड के प्राइसेस अभी काफी घटे हैं, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल जिंक और लेड होता है। ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, ऑटोमोटिव, नॉन ऑटोमोटिव, टेलीकॉम सेक्टर, रेलवे को ये केटर करती है, तो थोड़ा सा अगर ये इंतजार करे कम से कम 8 से 12 महीने तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छी रेटिंग आ सकती है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए और इसमें जरूर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, प्रोवाइडेड आप इसमें 8 to 12 months निवेशित रहिए। देखिए, लुपिन में मुझे लग रहा है कि दिक्कतें कंपनी की खत्म नहीं हो चुकी है। इनफैक्ट पहले तिमाही भी काफी डिसअपॉइंटिंग आया है, पिछले साल भी कंपनी का मुनाफा काफी सिग्निफिकेंटली गिर चुका है। सबसे बड़ी बात, यूएस मार्केट्स में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफी एक्सपेक्टेशन से बिलो आया है। मेरे ख्याल से अगर आपको फार्मा कंपनी में अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो मुझे लग रहा है कि सन फार्मा और सिप्ला जैसे शेयर्स में आप निवेश कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे सन फार्मा काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और यहाँ पे शायद रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा होगा। रही बात अरबिंदो फार्मा की, तो अरबिंदो फार्मा आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे यूएस मार्केट डोमिनेटेड वाली कंपनी है, प्लस इनकी थोड़ी बहुत वैल्यू अनलॉकिंग उनके एक आठ डिविजन से आने वाली है, तो यहाँ पे अरबिंदो फार्मा में बने रहे, ये भी मैं कहूंगा कि 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम रखना जरूरी है। लेकिन लुपिन से स्विच करके अगर आप सन फार्मा में एंटर करते हो तो मुझे लग रहा है कि अगले 12-15 महीने में आपका थोड़ा बहुत जो नुकसान है वो आपको भरपाई करने में मिल जाएगा। इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि ये काफी लकी इन्वेस्टर है कि पीएनबी इन्होंने खरीदने के बाद थोड़ा बहुत मुनाफा हो चुका है, लेकिन पीएनबी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अंडर परफॉर्म कर चुकी है। इनके नतीजे भी Q1 के काफी अच्छे नहीं थे। मेरे ख्याल से यहाँ पे निकल जाए और अगर हो सके तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, फेडरल बैंक, जैसे मैंने पहले कहा, काफी अच्छा विकल्प है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इनको काफी अच्छा मिल सकता है। और रही बात SBI की, तो ये कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लेवल पे इन्होंने एंट्री की है 370-380 में। यहाँ पे हमारा मानना है कि अगले 12-15 महीने के लिए ये 600 रुपया कंफर्टेबली क्रॉस कर सकता है, तो यहाँ पे निवेश का जो टाइम होराइजन अगर ये पकड़ते हैं तो इनको अच्छी खासी रिटर्न्स मिल सकते हैं। ऐसे बैंक काफी पसंद है करंट प्राइस पे, हमको लग रहा है कि 925-930 का आपको टारगेट 8 से 10 दिन में मिल सकता है और स्टॉप लॉस 885 रखिए। डेफिनेटली मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू तो पॉजिटिव है, बट 8 से 10 दिन के लिए रिस्क रिवॉर्ड करना है तो ये शेयर में जरूर पोजीशन आप ले सकते हो। ओके, तो ऐसे बैंक में खरीदारी की सलाह आ रही है। हफ्ते भर के नजरिए के लिए अविनाश गोरक्षकर की तरफ से बहुत धन्यवाद करेंगे सर आपका हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए।